नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं आपका दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर हैं लेकर दैनिक राशिफल। इस दैनिक राशिफल में हम जो बताते हैं वो आपकी चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित होता है, यानी कि अगर आपका लग्न जो है मेष राशि का है तब भी यह राशिफल आप पर लागू होगा, और अगर चंद्र मेष में है तब भी यह प्रभावी रहेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले उन सभी के लिए जो पहली बार हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं हमारे चैनल की और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा एक पंचांग का सेगमेंट होता है जिसमें हम आपको बताते हैं कि आज क्या पंचांग है। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं आज के पंचांग की। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है जो अगले दिन यानी कि 26 जून को प्रातः 4:15 तक रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। कर्ण की तरफ नजर डालें तो बालव शाम को 3:18 तक रहेगा, उसके बाद कौलव है जो अगले दिन यानी कि 26 जून को प्रातः 4:15 तक रहेगा। योग की बात करें तो सौभाग्य योग है जो रात को 11:27 तक रहेगा, उसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। अब अगर आज के दिन के शुभ समय जिसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं उसकी बात करें तो आज 11:55 से 12:51 तक शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आज का राहु काल जिसे अशुभ समय माना जाता है उसकी बात करें तो आज शाम को 3:53 से 5:37 तक राहु काल चलेगा, अशुभ समय है। अशुभ समय में किसी भी शुभ काम को, नए काम को, अच्छे काम को बिल्कुल ना करें क्योंकि शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित होता है। आज दिशा सूर्य उत्तर दिशा में है तो यदि आप इस दिशा में यात्रा करने जा रहे थे तो इससे बचें और कोई भी शुभ कार्य इस दिशा की तरफ मुख रखकर बिल्कुल ना करें। यह तो हमने बात की पंचांग की। चलिए अब आपको बताते हैं कि चंद्रमा की आज स्थिति क्या रहेगी। आज चंद्रदेव मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे जो शनि ग्रह का नक्षत्र है। ज्योतिष में शनि को दो राशियां दी गई हैं, मकर और कुंभ, इसीलिए आज ये तीनों राशियां जो है विशेष रूप से प्रभावी रहेंगी। अब देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा हर राशि के जातकों पर इसकी वजह से। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। मीन राशि आपके द्वादश भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके दशम और एकादश भाव को सक्रिय करके रखेंगे। द्वादश भाव आपके लिए व्यय, नुकसान और आध्यात्मिकता का होता है। वहीं अगर बात करें कि आपका जो दशम भाव है वो दशम भाव होता है गतिविधि का, व्यवसाय का, पेशा का, करियर का, प्रतिष्ठा का भाव होता है। वहीं एकादश भाव जो होता है आपकी आय, लाभ, समृद्धि का जो होता है भाव होता है। तो ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको फल जो है, प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर जो दिन है आपका अच्छा है, लेकिन जो लोग घर से बाहर खाना खाते हैं उनको आज संतुलित आहार लेने की जरूरत है। आज के दिन आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि आप जरूरत से ज्यादा खर्चा करें और आपका बटुआ भीख हो सकता है। ऐसे मामलों में सावधानी की जो कमी है आपको नुकसान पहुंचा सकती है। परिवार में आज किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश करें। जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए आज मेरी सलाह है कि सही समय पर सही बात कहने की आदत डालें। यदि आज आप अपने लवमेट के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उन्हें अभी मिंगल होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। कारोबारियों को मेरी सलाह है कि खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा ना करें। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोग आज कार्य क्षेत्र में ज्यादा बातें करने से बचें, जितना जरूरी हो उतना ही बोले, नहीं तो आपकी बातों का कोई गलत मतलब निकाल के आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। दाम्पत्य जीवन में आज थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब बात करेंगे उपाय की, तो मेष राशि के जातकों को आज यही सलाह है कि आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए जलन, दाह और ईर्ष्या से बचें। आज आपके लिए शुभ अंक है 6। शुभ रंग है आपके लिए पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि की। मीन राशि आपके एकादश भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके नवम और दशम भाव को सक्रिय करके रखेंगे। जो अब बात करें एकादश भाव की, तो एकादश भाव आपके लिए दीर्घकालीन इच्छाओं की पूर्ति, सपनों की पूर्ति और जीवन में महत्वाकांक्षाएं का भाव होता है। जबकि नवम भाव आपके धर्म, प्रकृति का समर्थन, पिछले जन्मों से गुण का भाव होता है। वहीं दशम भाव जो होता है आपके पिता की इज्जत, आपके जो बाहरी लाइफ है उसका, आपके रिप्यूटेशन का होता है। तो ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको कई प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस राशि के जो लोग हैं आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान जरूर रहें। खुद को फिट रखने के लिए आप योग और
अब व्यायाम कर सकते हैं। जो लोग किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, आज उनके लिए वक्त आ गया है। आज आपके द्वारा किसी रियल स्टेट में निवेश करना बेहद शुभ रहेगा। आज के दिन पारिवारिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी। आज आप अपने बड़ों से सलाह लेंगे और अपने छोटों सदस्यों को सलाह देंगे। प्यार के मामले में आज आप बेहद भाग्यशाली रहेंगे। जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको प्यार पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है और यही वजह है कि प्यार आपकी सबसे बड़ी ताकत है। संभव है कि कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान आज आखिरी वक्त पर कैंसिल हो जाए। आज आपके ढीलेपन के चलते भी आपके कई महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं या बाधित हो सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज की शाम अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे तो आपके लिए वह लम्हे दिलचस्प होंगे। साथ ही आप अपने मित्रों के साथ आने वाली छुट्टियों को साथ बिताने की योजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी एवं बाल बच्चों के प्रति जिम्मेदारी आपको बोझ लग सकती है। बात करें उपाय की तो कौवों को रोटी डालें, आपके नौकरी बिजनेस में उन्नति होगी। आज आपके लिए शुभ अंक है 5। शुभ रंग है आपके लिए हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की। मीन राशि आपके दशम भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके अष्टम और नवम भाव को सक्रिय करके रखेंगे। दशम भाव आपके लिए समाज में सफलता और प्रतिष्ठा, सरकार से सम्मान, पदोन्नति, पद का भाव है। जबकि नवम भाव आपके भाग्य, ज्ञान, वैदिक विज्ञान, ध्यान, यज्ञ, मेहनत का भाव होता है। वहीं अष्टम भाव आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान, जो आपकी सिद्धियां हैं और उत्थान है उसका भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको कई प्रभाव देखने को मिलेंगे। सेहत की बात करें तो आज आपको अपने साथ साथ अपने माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। आज बाहर के खाना खाने से परहेज रखें, अन्यथा पेट दर्द या गैस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जहां तक इस राशि के जातकों के आर्थिक पक्ष का सवाल है तो आज के दिन इसमें मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक स्तर पर आज दूसरों को मनाने की आपकी क्षमता आपके सभी मुश्किलों को हल कर सकती है। आज आपको माता की सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। लव पार्टनर पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो रिश्ते में कड़वाहट घुलने में देरी नहीं होगी। अपने कार्यालय में आज आपका जो दिन है अच्छा रहेगा और आपके काम को सराहना भी मिलेगी। दिन के बाद के समय में आपको थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है। अगर अपनी सुस्ती को दूर करना चाहते हैं तो थोड़ा बाहर घूमने निकले। वैवाहिक जीवन में आज शांति बनी रहेगी। आज आप बोलने से ज्यादा अपने जीवन साथी की बातों को सुनने में आनंद लेंगे। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। आपको अपनी हार से कुछ सबक सीखने की जरूरत है क्योंकि आज अपने दिल की बात जाहिर करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। प्रतिस्पर्धा के चलते कामकाज की अधिकता थकावट भरी हो सकती है। बात करें अब उपाय की तो तेल के पकौड़े कौवों को खिला दे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 3। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम कर्क राशि की। मीन राशि आपके नवम भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके सप्तम और अष्टम भाव को सक्रिय करके रखेंगे। नवम भाव आपके लिए गुड लक, गुरु से मदद और लंबी दूरी की यात्रा का भाव है। वहीं जो सप्तम भाव है आपका, आपके पार्टनर की इज्जत, आपके बच्चे की रुचि और आपकी उन्नति का भाव होता है। वहीं अष्टम भाव जो होता है वो आपके लिए किसी बीमारी से उभरने का, किसी विषय में शोध करने का, आपके और अपने दोस्तों से काम करवाने का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से जो आपको प्रभाव है देखने को मिलेंगे। खेलना कूदना जो है आज आपके स्वास्थ्य को अच्छा बना सकता है। आज के दिन आप ऐसे काम करें जिससे लोगों का ध्यान आपकी ओर जाएगा। यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें और संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। संभव हो तो कुछ समय बाद निवेश करें और आज के लिए तो बिल्कुल इसे टाल ही रहे क्योंकि आज जो है निवेश करना सही नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो आज अपने कर्तव्यों का पालन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें आज अच्छे फल मिलने के पूरे आसार हैं। आज आप अपने लवमेट के साथ रोमानी दिन गुजार सकते हैं। मेरी आपको सलाह है कि आज और अभी से अपने भविष्य को लेकर संजीदा हो जाएं। आपके लिए आने वाले वक्त में क्या चीज़ें बेहतर होंगी इसके लिए रिसर्च करें और आप उन तक कैसे पहुंचेंगे इसके लिए अच्छी प्लानिंग भी करें। सेहत की बात करें तो सेहत के लिहाज से दौड़ लगाने की आपके लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि यह मुफ्त भी और अच्छी एक्सरसाइज भी। इससे शरीर के साथ साथ आपका मस्तिष्क भी तीव्र होता है। आज आप महसूस करेंगे कि जो जीवन साथी है उसके साथ की कितनी अहमियत है आपके जीवन में। एक और जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं सेहत में भी आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं,
परिवार प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए जो दिन है वो शुभ रहेगा। उपाय की बात करें, विधारा की जड़ को रात्रि में एक पात्र में भिगो कर रखें और अगली सुबह उस जल का सेवन करें, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 7। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। मीन राशि आपके अष्टम भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके छठे और सप्तम भाव को सक्रिय करके रखेंगे। अष्टम भाव आपके लिए अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स को दिखाता है, साथ साथ में किसी कर्जे की वजह से परेशान का भी कारक भाव है यह। जबकि जो छठा भाव है आपके पार्टनर की लाइफ में तकलीफ का, आपके विरोधियों का और संघर्ष का भाव होता है। वही सप्तम भाव आपके लिए विदेश यात्रा या अचानक यात्रा का, आपके आसपास के लोगों का और आपकी माता के पक्ष के घर का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको कई प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपकी सेहत की बात करें तो अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए दिन की शुरुआत जो है कसरत से करें, इससे आपके मन में सकारात्मक भाव पैदा होगा। नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। दोपहर के बाद किसी पुराने दोस्त से मुलाकात जो है वो दिन को खूबसूरत बना देगी। आप अपने सुनहरे दिनों को याद करके पुरानी यादों में डूब जाएंगे। आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहने से आपके मन में जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी, लेकिन इस दौरान आपको किसी भी गैर कानूनी कार्य को करने से खुद को रोकना होगा, क्योंकि जल्दबाजी व आसानी से जो पैसे आ रहे हैं यूं तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार हम इसके लिए कोई बड़ा खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। पारिवारिक जीवन के लिए आज दिन अच्छा है। आज के दिन आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। यह खबर आपको ईमेल या चिट्ठी के जरिए मिल सकती है। जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें आज अपने लवमेट के प्रति आकर्षण महसूस होगा। कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपका काम जो है वो खुद ब खुद दूसरों की नजर में आएगा और प्रशंसा के पात्र बनेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज अपने साझेदार को किसी योजना के लिए मनाने में कठिनाइयां हो सकती हैं। आज घर में रहकर वीडियो गेम खेल सकते हैं, हालांकि आपको इसमें आनंद आएगा लेकिन इसकी वजह से आपके सिर में दर्द भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन को देखें तो आज वो सामान्य रहेगा। आज आपका जीवन साथी आपसे अपनी बातें साझा कर सकता है, जिससे आपका जो दिन है उसका अंत अच्छा बीतेगा। उपाय की बात करें तो पीले कपड़े में अपने किसी पूर्वज की सोने की चीज बांध कर लॉकर में रख दे, नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी। आज आपके लिए शुभ अंक है 5। शुभ रंग है आपके लिए हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम कन्या राशि की। मीन राशि आपके सप्तम भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके पंचम और छठे भाव को सक्रिय करके रखेंगे। सप्तम भाव आपके लिए हवाई यात्रा, किसी अनजाने इंसान से बहस और पिता की तरक्की का भाव है, जबकि पंचम भाव आपके बच्चे की सेहत का, उनकी पढ़ाई का और आपके शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का भाव होता है। वहीं छठा भाव आपके लिए रुकावट का और लीगल मामलों में हार जीत का भाव है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आपको आज कई प्रभाव देखने को मिलेंगे। अपने दफ्तर से आज जल्दी निकलने की कोशिश करिए और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। आज आर्थिक मोर्चे पर आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आपको कुछ आर्थिक फायदे होंगे जो आपके खर्चों पर भी पूरी तरह से हावी रहेंगे। आज के दिन आपके सामने कुछ रोमांचक स्थिति उत्पन्न होगी जो आपको अचानक से खुशी और स्फूर्ति देंगी। परिवार में सुख शांति का वातावरण देखने को मिल सकता है। जरूरत पड़ने पर अपने छोटे भाई बहनों की मदद करें। आप आज प्रेमपूर्ण मनोभाव में होंगे, इसीलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं। कार्यक्षेत्र में सरकारी नौकरी वालों का आज तबादला आपके मनपसंद जगह पर होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ आईटी फर्म और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को आज काम के सिलसिले में विदेश यात्रा का प्रस्ताव मिल सकता है। वहीं नौकरी की तलाश करने वालों के लिए आज का दिन निराशाजनक रहेगा। आज के दिन कुछ मशहूर लोगों से होने वाली मुलाकात आज आपके लिए व्यापार के लिहाज से भी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस राशि के जो लोग विवाहित हैं आज अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिता सकते हैं। आज आपको अपने जीवन साथी की कई खूबियां देखने को मिलेंगी और इन खूबियों की आप खुलकर तारीफ भी करेंगे। आज का दिन ऐसा ही एक दिन है जब आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है और यह महसूस करने की भी आवश्यकता है कि आप स्वयं के बारे में भी अच्छा सोचते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर सर्पाकार चांदी की अंगूठी धारण करें, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 3। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम तुला राशि की। मीन राशि आपके छठे भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे।
साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके चतुर्थ और पंचम भाव को सक्रिय करके रखेंगे। छठा भाव नए जॉब ज्वाइन का, आपने जो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं उसको करने का और पुलिस के साथ किसी मामले में आने का भाव है। जबकि पंचम भाव आपके बच्चे, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी जो सहूलियत का और पिता से सहायता प्राप्त का भाव होता है। वहीं चतुर्थ भाव आपके लिए माता से संबंधित हर तरह की गतिविधि को दर्शाने वाला भाव है। तो ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी के अनुसार आज के दिन आपको फल भी मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन तभी बेहतर होगा जब आप हर स्थिति में भोजन और व्यायाम पर ध्यान देंगे। आर्थिक पक्ष को मजबूती देने के लिए आज किसी दोस्त या रिश्तेदार से आप सलाह ले सकते हैं। आज परिवार में किसी प्रकार का शुभ कार्य हो सकता है। परिजनों के सहयोग से आज घर में खुशी का वातावरण रहेगा। रिश्तेदारों से भी आज आपकी मुलाकात हो सकती है। परिजनों के साथ आज आप कहीं डिनर पर जा सकते हैं। परिवार में बच्चे आज आपकी खुशी का कारण बनेंगे। जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें आज प्रेम के अच्छे पहलुओं को देखने का मौका मिल सकता है। कार्यस्थल पर आज आपको कोई नया कार्य मिल सकता है। यह कार्य आपके लिए चुनौती भरा जरूर होगा, लेकिन इसे करने में आपको आनंद की अनुभूति मिलेगी। किस्मत की बजाय अपने कर्म पर भरोसा रखें, क्योंकि कर्म की आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसीलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी अवसरों को भुनाने की कोशिश करें। कारोबार से जुड़े जातकों को आज व्यापार में अच्छे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। वस्त्र एवं फूड से संबंधित व्यापार करने वाले जातकों को आज अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जो लोग लेखन का काम करते हैं उन्हें आज लोगों से प्रशंसा मिल सकती है। आज आप परिवार के लोगों के बीच रहना पसंद करेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर बहस कर सकती है। हालांकि यह झगड़ा आप दोनों के बीच दूरियां पैदा नहीं करेगा। जब आप दोनों झगड़े की वजह जान जाएंगे तो खुद ही बातें करने लग जाएंगे। निजी स्तर पर आज आप भावनात्मक रूप से उथल पुथल का अनुभव करेंगे जो आपको परेशानी में डाल सकती है। आज आपके किसी कीमती चीज के खोने की भी आशंका है, लिहाजा आज यदि आप सफर कर रहे हैं या फिर किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पर जा रहे हैं तो विशेष रूप से अपने कीमती सामान जैसे कि फोन, बटुआ और आभूषणों का खास ध्यान रखें। उपाय की बात करें, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए घर में तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आज आपके लिए शुभ अंक है 6। शुभ रंग है आपके लिए पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। मीन राशि आपके पंचम भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके तृतीय और चतुर्थ भाव को सक्रिय करके रखेंगे। पंचम भाव आपकी माता पक्ष से धन प्राप्ति का, अपने गुरु से किसी चीज में सहायता का भाव है। जबकि तृतीय भाव आपके पराक्रम का, अपनी इच्छाओं का और संस्कृति का भाव होता है। जबकि चतुर्थ भाव आपके लिए सुख का एहसास करने वाले कार्यों का और व्यवसाय में कोई पद प्राप्ति वाला भाव है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको कई सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य भी आज आपको चिंतित करेगा, इसलिए छोटी सी परेशानी भी महसूस होने पर तुरंत से डॉक्टर से सलाह लें, नहीं तो ये जो छोटी सी दिख रही परेशानी है कब किसी गंभीर बीमारी का रूप ले ले किसी को नहीं पता। आर्थिक जीवन आज अच्छा नहीं रहेगा और आपको धन की कमी खल सकती है। पारिवारिक जीवन में आज मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। जिन बातों पर आपकी कोई स्पष्ट राय नहीं है उन्हें आज अपने घर वालों पर ना ही थोपे तो अच्छा रहेगा। आज आप अपने प्रियतम से मन की बातें करेंगे। कुछ काम जरूर होगा लेकिन उसके बावजूद भी घूमने फिरने और अपने प्रिय के साथ रोमांस करने का कोई मौका आप नहीं छोड़ेंगे। आज आप अपने कार्यस्थल पर ऊर्जावान दिखाई देंगे। ऑफिस में आज आपको मन पसंदीदा काम करने को मिल सकता है, इसे करने में आपको आनंद आएगा। वहीं कारोबार से जुड़े जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा बीत सकता है। लगातार काम करने के बाद आज आप घर में कोई अच्छी मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। वैवाहिक जातकों के लिए आज का दिन जो है काफी सुंदर रहेगा और आज आपके लाइफ में कुछ हटकर अनुभव मिलेंगे। ऐसी संभावना है कि आज आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए कुछ खास प्लान करें। आज किसी भी काम को करने से पहले उस बारे में गहनता से 2 बार जरूर सोचें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका विचार या नजरिया किसी की भावनाओं को आहत तो नहीं कर रहा। उपाय की बात करें, किसी सुपात्र व्यक्ति को पुस्तक या पठन सामग्री दें। आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। आज आपके लिए शुभ अंक है 7। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। मीन राशि आपके चतुर्थ भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके द्वितीय और तृतीय भाव को सक्रिय करके रखेंगे। चतुर्थ भाव आपके दिल की उमंगों का, आपकी समझ का और कुछ नया करने का भाव है। जबकि तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन की यात्रा और उनकी सक्सेस का भाव होता है। यही
द्वितीय भाव जो होता है आपके लिए अपने खान पान का, परिवार में किसी भी तरह के ग्रोथ का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको ढेर सारे प्रभाव जो है देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें अगर सेहत की, तो आपको अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखने की सलाह देना चाहूंगी। खासतौर से जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं या अभी माँ बनी हैं, उन्हें आज खास ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि उनके लिए आज का दिन उतना अच्छा नहीं है। आपकी हमेशा से ही यही कमी रही है कि आप जल्दी ही आर्थिक मुसीबत को अपने पास आता देखकर उससे उभरने की जगह उदास और अवसादग्रस्त हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन में आज अच्छे फल मिलने की पूरी उम्मीद है। जिन बातों को आप परिवार के लोगों से कहने में घबराते हैं, आज उनको आप कह सकते हैं। अगर आप किसी के प्यार में हैं, तो आज आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है। आज के दिन आपके पार्टनर की नाराजगी आपको मानसिक तनाव भी दे सकती है, लेकिन यदि इस स्थिति का हल सकारात्मक तरीके से निकालते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। ऑफिस में आज आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है। आपके इनोवेटिव आइडिया से बॉस जो है प्रभावित हो सकता है। ऑफिस के बाद आज आप अपने सहकर्मियों के साथ पार्टी कर सकते हैं। कारोबार से जुड़े जातकों को आज लाभ मिलने की संभावना है। आपको आज अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा आराम मिलेगा, और यदि लंबे समय से आप खुद को थका हुआ और तनाव से जूझता हुआ महसूस कर रहे थे, तो आज आपको उससे मुक्ति भी मिलेगी और थोड़ा आराम भी आप करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। उपाय की बात करें तो तांबे का कड़ा धारण करें, स्वास्थ्य बना रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 4। शुभ रंग है आपके लिए भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम मकर राशि की। मीन राशि आपके तृतीय भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके लगन और द्वितीय भाव को सक्रिय करके रखेंगे। तृतीय भाव एम्बिशंस का होता है, आपके अपने जो विश और ड्रीम का भाव होता है, जबकि लगन भाव जो होता है आपके ओवरऑल सक्सेस और हैप्पीनेस का भाव होता है, खुशी का भाव होता है। वहीं द्वितीय भाव आपके लिए किसी अधूरे काम को पूरे करने का, आपके परिवार में किसी सदस्य की मदद करने का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आपको आज कई सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन काफी बेहतरीन रहने वाला है और आज के पूरे दिन को आप एंजॉय करेंगे। धन के मामलों में आज आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन में घर को सजाने संवारने के अलावा बच्चों की जरूरतों पर भी ध्यान दें। बच्चों के बिना घर आत्मा के बिना शरीर की तरह होता है, फिर चाहे वह कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। आज के दिन भी प्यार के मामलों में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। किसी प्रकार के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी लाभदायक रहेगा। अगर आप बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन उत्तम है। नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में बॉस की तरफ से थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि दिन के अंत तक वो स्वयं आपके काम की प्रशंसा करेंगे। वैवाहिक जीवन में आज प्यार के फूल खिलेंगे और आज से पहले आप शादीशुदा जिंदगी आपकी जो है इतनी हसीन कभी नहीं लगी, ऐसा आप महसूस शायद ना कर पाए, लेकिन आज आपको यह महसूस होगा कि आपका जीवन साथी जो है वो आपको सच्ची खुशी दे सकता है, हर सिचुएशन में आपके साथ रह सकता है। रचनात्मक कार्य जो है आज करना आपको सुकून देगा। आप आज के दिन की शुरुआत उस काम से करें जिसमें आपकी रुचि हो। इसका फायदा यह होगा कि पूरे दिन आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा और आप सबसे अच्छी तरह से व्यवहार भी करेंगे। उपाय की बात करें तो इस राशि के जातकों को हम सलाह देना चाहेंगे कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। ऐसा करने से धन संपत्ति में आपकी जो स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। शुभ अंक है आज आपके लिए 4। शुभ रंग है आपके लिए भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। मीन राशि आपके द्वितीय भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके द्वादश और लगन को सक्रिय करके रखेंगे। द्वितीय भाव पिता की काम के लिए यात्रा का, माता को धन के लाभ का भाव है, जबकि लगन भाव आपके बड़े भाई बहन की निजी जिंदगी का, गुरु के उपदेश का भाव होता है। वहीं द्वादश भाव आपके शांति का, मन के सुकून का और अधिक खर्चे का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको कई सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य जीवन में आज आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जरूरत से ज्यादा खाना खाने से बचें और सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। आज वित्त से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं और खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अपनी बुद्धिमत्ता से आप लाभ भी कमा सकते हैं। आज आपको अनजाने लोग भी अपने से लगेंगे और आपका मन आज सकारात्मक रहेगा। कहने का मतलब साफ है कि आज आप अंदर से काफी प्रसन्न रहेंगे, आपका मन खुश रहेगा। प्रेम जीवन में अपने प्रिय को नजरअंदाज आज बिल्कुल ना करें, बल्कि आपके जीवन में उनका क्या महत्व है इस बात को भी समझने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों का सहयोग और वरिष्ठ कर्मचारियों से मिलने वाला फेवर जो है आपको गजब का उत्साह देगा, जिससे आप हर काम को और भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। आज के दिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें, नहीं तो आपको उसके लिए बाद में पछताना पड़ सकता है।
सितारे इशारा कर रहे हैं कि किसी निजी स्थान की यात्रा हो सकती है। वहीं दाम्पत्य जीवन में आज किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करें। एक ओर जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं सेहत में भी आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जातकों को हम सलाह देंगे कि गरीब कन्याओं में चॉकलेट बांटे, प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। आज आपके लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है आपके लिए सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि आपके लगन भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि आपके एकादश और द्वादश भाव को सक्रिय करके रखेंगे। लगन भाव आपकी शारीरिक रूपरेखा का, आपकी ओवरऑल हेल्थ का और आपके ज्ञान का भाव है, जबकि एकादश भाव आपके गेंस का, सैलरी में बढ़ोतरी का और नए काम का शुरू होने का भाव है। वहीं द्वादश भाव जो है आपके लॉस का, विदेश यात्रा का और हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आपको आज कई सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। बात करें अगर सबसे पहले सेहत की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन जो है बेहतर रहेगा और इसीलिए आज आप खुद को शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे। आज का दिन धन संबंधित मामलों की चिंता में गुजर सकता है। आपके लिए सलाह है कि आप उन योजनाओं और क्षेत्रों में निवेश करें, करने से पहले 2 बार कम से कम जरूर सोचें जो आज आपके सामने आएंगी, और यदि निवेश को आज आप टाल सकते हैं तो टाल ही दें। आपका प्रेमी आज आपकी परीक्षा ले सकता है, इसीलिए आज ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके पार्टनर को आपकी ईमानदारी पर शक हो। कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। व्यापार से जुड़े जातकों को आज कारोबार में मुनाफा हो सकता है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा परिणाम देगी। आप अपनी इस बोरियत को दूर करने के लिए बाहर भोजन करने जा सकते हैं या घर वालों के साथ मिलकर कोई हास्य टीवी शो भी देख सकर खुद को मनोरंजित कर सकते हैं। इस राशि के जो लोग वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें आज अपने स्वभाव पर काबू रखकर चलने की जरूरत है। उपाय की बात करें तो कन्याओं में चॉकलेट, टॉफी और सफेद मिठाइयां बांट दें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज आपके लिए शुभ अंक है 9, शुभ रंग है आपके लिए लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 25 जून का दिन जो है सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, दैनिक राशिफल की यह जानकारी अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको हमारे सभी लेटेस्ट और रोचक वीडियोज की जानकारी समय से मिल सकेगी। एस्ट्रो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।